गोलमाल का वो प्रोफेसर बना दिया है, I will suspend you. वाला कसम से इतना इचिंग हो रही है पता है ऑलरेडी. अब इसको खोलना नहीं है, बांध दे रखना है इसको. आज मैंने ना सुबह सुबह कस्टर्ड बना लिया है क्योंकि कल रात को निश्चय को इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा खाने की. कहता है क्या मम्मी आजकल आप ना कुछ भी मीठा नहीं बनाते, स्वीट डिश बनानी छोड़ दी आपने, बार बार कभी फ्रिज खोले कभी कुछ मतलब कुछ. उसका मन कर रहा था, कह रहा क्या है फ्रिज में कोई चॉकलेट भी नहीं रखी, और जब मैंने इतनी सारी चॉकलेट्स रखी थी तब कह रहा था सारी फेंक दो हमने नहीं खानी, हमारी डाइट खराब करते हो, तो इसलिए मैंने अब स्वीट डिश बनानी छोड़ दी. लेकिन कल रात को उसका इतना मन कर रहा था तो इसलिए आज मैंने उसके लिए कस्टर्ड बना दिया. अभी बना के ठंडा करूंगी, फ्रिज में रख दूंगी, जब आएगा ऊपर से तो फिर उसको खिलाएं. आज देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, दिल्ली का बारिश हो रही है और बिल्कुल ठंड हो गई है दोबारा से. मेरे को आज जाना है कहीं फंक्शन पे, मेरी आज फ्रेंड के पोते का नामकरण है, इसलिए मैंने आज सुबह सुबह खाना बना लिया. मल्लन साहब आपको क्या हो गया भाई, गर्मी आपको गर्मी नहीं लग रही? ठंड लग रही है बल्कि कसी ले तो कंबल ले लें. ये देखो फैन ऑफ, एसी ऑफ और कंबल लेके लेटे हुए हो गर्मी में, ऐसे कैसे हो गया? ठंड लग रही है, ठंड लग रही है. मुझे लग रहा है कहीं वायरल से मेरी विकेट तो नहीं गिरने वाली. चलो जी अब आपकी बारी आ गई. इतने दिनों से पहले अभिषेक, फिर निश्चय, अब इनकी बारी. नहीं मैं आई एम अ टफ मैन. टफ मैन, तो फिर ये टफ मैन रजाई लेके क्यों बैठा हुआ लेटा हुआ है? बीबी ने मारा. हाँ ये पॉइंट है, ये बात हो सकती है. पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे आज. मुझे भी लग रहा है सुबह से ऐसे लेटे हुए हैं, ठंड लग रही है. पंखा बंद करके कंबल लोड़ के. मैं कहा भाई अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं जो आप लंबोर्गिनी ले सकते हो, फरारी ले सकते हो, ये ले सकते हो, वो ले सकते हो, तो हैरियर क्यों ली, हैरियर क्यों ली? एक सवाल का जवाब दो पहले. अरे इधर एक सवाल का जवाब दो. सारे पूछ रहे हैं कि जब आप जी वैगन ले सकते हो, मस्टैंग ले सकते हो, तो आपने हैरियर क्यों ली? जवाब दो. आधा दौड़ पीछा छोड़नी होना चाहिए, अपने वन स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, ना कि ऐसे कुत्ते की तरह चलांग मारो, बाद में पता लगे कि ऊपर चढ़ने की जगह नीचे गिर गए. समझ कुछ गया, पर मैं आपको समझा देता हूँ. हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि हमारे नीचे वाले घर में पार्किंग नहीं है, हैरियर लगाने की भी अभी लाले पड़ रहे हैं, और तो मस्टैंग तो लोग ऐसे ऐसे चीर के चले जाएंगे. रिकॉर्ड कर रहे हैं और तू जा 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 क्या कर रहे हैं? फिर शुरू हो गया ये जिम करके आया ना, एक दिन जिम जाके इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने वाले. और खाने में मैंने बनाया है सांभर इडली. अभिषेक को बहुत अच्छी लगती है लेकिन निश्चय को अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी आजकल उसका थोड़ा गला खराब है, तो उसके लिए मैंने छोले कुलचे बनाए हैं. और ये हो गई इडली और ये हो गए छोले. मौसम फिर से बारिश वाला हो गया है और मैंने इतने सारे कपड़े धोए हुए हैं, ऐसा ना हो कि कपड़े सूखे ही ना, इतने कपड़े डालूंगी कहाँ. ये देखो पूरी छत भरी पड़ी है, मतलब इतने कपड़े धोए हैं, अगर बारिश आ गई तो इनका तो बुरा हाल हो जाएगा. तो मैं हो गई रेडी, अभिषेक को और मलन साहब को मैंने खाना खिला दिया है. मलन साहब आप नोनू को खाना खिला देना, वैसे तो आप भी इनवाइटेड हो लेकिन आप नहीं चल रहे तो कोई बात नहीं. कह रहे हैं तेरी फ्रेंड का है फंक्शन, मैंने क्या करना है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं तो जाऊंगी. तो मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो. हम लोग नीचे उतर आए हैं लेकिन कैब पता नहीं कहाँ गायब होगी, आई नहीं अभी कैब. तो पहुँच गए हम फंक्शन वाली जगह पे, लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना क्योंकि उनका फैमिली फंक्शन है और हम फ्रेंड्स हैं, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है. अंदर चल के देखते हैं कैसा माहौल है. ये बच्चे की एंट्री इसके साथ हुई है, प्यारा बनाया हुआ स्टेज. तो फंक्शन हमने अटेंड कर लिया. लीना कहती है भाभी हम किसी को जानते तो है नहीं, तो हम ऐसे करते हैं खाने पे ही फोकस देते हैं. और क्या, तो खाया और निकल गए, खाया पिया और अब बिना बताए हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि वो लोग तो बिजी हैं, उनके घर का फंक्शन है तो इसलिए वो बिजी हैं. तो हमने उनको शगन दे दिया और बस चल दिए हम. अभी देखना जाते ही चाय का ऑर्डर, क्योंकि 4 बज गए हैं ना. वो कहीं दिखा ही नहीं, मैंने कहा नानू अभी तक नहीं आया क्या? नहीं नोनू ऊपर ही है. नोनू ऊपर ही है, ये एक सिमुलेटेड नोनू की फॉर्म है जो AI मॉडल ने क्रिएट किया है.
ठीक है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नोनू है, असली नोनू ऊपर सो रहा है। भाई चाय बना जल्दी जल्दी ताकि चलने की तैयारी करें। मेरे को पहले ही पता था कि मैं आऊंगी, आते हुक्म मेरे को चाय का मिलना है। 4 बजे का और चाय का तो कुछ अलग ही वो है ना। अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया। आप कहाँ जा रहे हो भाई साहब? मम्मी मेरा एक्चुअली ना ट्रिगर इंसान के साथ बॉक्सिंग मैच है तो मैं उसकी तैयारी करने जा रहा हूँ। ये कब हुआ भाई? अब हमी ने डिसाइड करा है कि दोनों भाई की बीफ करेंगे। गाना तो बना नहीं तुम्हारा? गाने से बीफ को होता है, गाने से तो प्यार होता है। नहीं गाना तो बना नहीं, चलो बीफ होता है लड़ाई। आ जाऊंगा करियर, मम्मी से पूछ बीफ। हम तो सीधे साधे बन गए, हमें नहीं पता। वाह छत पे आज मम्मी पापा ने सुबह से मुझे इतना उल्लू बनाया है, इतना उल्लू बनाया है। ठीक है मेरे दोस्तों के साथ मेरी पार्टी थी तो इन्होंने बोला हम जा रहे हैं घूमने तो घर पे तू रुक जा। मेरे को जबरदस्ती सारे प्लान कैंसिल करवा दिए, सारे प्लान कैंसिल करा दिए। और 4 बजे के कहते हैं हमारा भी कैंसिल हो गया। मैं शाबाश हो डिंपल रानी, बड़ी सियानी। डिंपल रानी का कोई वो नहीं है, वो मलन साहब है ना, उनको उठाना मुश्किल है बेड से। ये है कल्प्रेट, ये नहीं लेके गए। इन्होंने पूरा प्लान बनाया, सबको रेडी करा, उसके बाद 4 बजे कैंसिल कर दिया और हमारा प्रोग्राम का भी टाइम फिक्स कर दिया। मैं फंक्शन से इतनी जल्दी आई कि हमने जाना है घूमने, मेरे पति देव वेट कर रहे हैं और ये यहाँ आके ये देखो भाई। अरे भाई गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं है ना उसकी, अभी RC आई है, टेम्परेरी नंबर पे गाड़ी चल रही है। कल कोई रोक ले गए तंग करे यूपी के अंदर जाके तो क्या कोई अकलमंदी है? इसलिए मैं कह रहा था कि चलो भी सियाज में चलते। तो ये बातें पहले बतानी चाहिए ना, हमें क्या बता, हम अपना आराम से फंक्शन अटेंड करते, एंजॉय करते, लेट आते। मैं कह रही रास्ते में इतना बढ़िया मौसम था। हाँ, हाँ, गाड़ी हाँ, की क्या मैं कह रही हैरियर गाड़ी की स्पीड से चल रही थी। हाँ, डर लग रहा था हैरियर की स्पीड से। सुपर स्पीड सुपर कार, बैठ के आनंद आ गया, दिल प्रफुल्लित हो गया, मजा आ गया। ऐसे लिए आप कार ही रह गए वो बस ऐसे ही है। नहीं मैं चला रहा था बहुत तेज, बहुत तेज, सुपर तेज चला रहा था, बहुत जल्दी 1.5 घंटे में हमने पहुंच भी जाना था। बस इतने में लीना ने उठा दिया, जाओ ब्रेड लेके आओ नीचे से। सपने मुंगेली लाल के हसीन सपने। आलिया खाना अब क्या ढूंढ रहे, फिर मीठे की क्रेविंग हो रही है ना तेरे को, है ना? तो मैंने आज पता क्या बनाया तेरे लिए? क्या बनाया? कस्टर्ड दे दो। पहले खुशी दिखा, इधर आ थोड़ा, फिर से इधर आ, और इधर आके वो देख वो क्या पड़ा। रुक, अरे ये तो मेरे लिए है, ये चम्मच का साइज भी सही है मेरे लिए। कड़ची है ये, वो बात अलग है कि मेरी आवाज नहीं निकल रही, पर ये पूरा मैं खा जाऊंगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं खाना, नहीं 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 नहीं, तो दे दो ना फिर कटोरी में डाल के। कम मजा आएगा, कस्टर्ड तो फेवरेट है मेरा। जब मैं अपनी मर्जी से कुछ बनाती हूँ ना तब तुम कहते हो हमें मोटा करने में आप ही का हाथ है, इसीलिए मैंने मना कर दिया था कुछ भी नहीं बनाना, कुछ नहीं मीठा बनाना। इससे बढ़िया चीज तो दुनिया में है ही नहीं कोई। तो कटोरियां तो खाने वाला हूं। Oh my God. Later that night. ये देखो ये दवाई लेने नहीं जाता, ये लिटिल बेबी है, दवाई खाने से जो डरता है। इतना इसका गला दर्द हो रहा है लेकिन दवाई नहीं खानी। दर्द नहीं हो रहा बस हाँ। आवाज नहीं निकल, आवाज तो वही होता है ना, आवाज बिल्कुल खराब होगी क्योंकि गला खराब है, इतना बोलता है। कहता मैं ज्यादा बोलता हूँ। अरे वो मैंने आवाज भी नहीं निकल रही। मैंने एक दिन में 3 वीडियोस और एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया था तो मेरे गले की थोड़ी सी, कितना सेंसिटिव है ना गला तेरा, हो जाता है कभी कभार। तो बोला था कि दवाई लेने चल ले, कहता नहीं दवाई की क्या जरूरत है, आपने पूरे गले पे ये क्या घी है तेल है क्या मल है, घी देसी घी नमक डाल के लगाया, नमक डाल के मल दिया है पूरे। बचपन में मैं ऐसी करती होती, साथ में ये पट्टा सा भी बांध दिया, गोलमाल का वो प्रोफेसर बना दिया है। I will suspend you. वाला कसम से इतना इचिंग हो रही है पता है ऑलरेडी। अब इसको खोलना नहीं है, बांधे रखना है इसको। और साथ में गरम वो भी ले आयो, ग्रीन टी, रेड टी, लाल टी,
हाँ। कोई लाल टी भी कोई टी होती है और क्या, एक तो मैं वैसे ही टी नहीं पीता, उसमें भी लाल टी ये पियो बेटा, गले पे आराम पड़ेगा। तो मैंने तेरे से ऑप्शन पूछे ना, ग्रीन टी, रेड टी, येलो टी, ब्लू टी, हाँ, मेरे को तो सारे चार कलर दिए, मेरे को सबसे अच्छा सुनने में रेड ही लगा, तो क्या बोलता फिर अभी इसके बाद ठीक हो जाऊंगा मैं, वरना आई विल सस्पेंड यू।